कैसे हो? ऐसा लगाओ कि यूनिक हो, मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये लगा दिया यूनिक हो गया। वो बहुत तगड़े थे यार, मतलब इससे ज्यादा लाइट वो करते थे, मतलब नजदीक से बहुत, वो ज्यादा चटक थे थोड़ा, वो ज्यादा चटक थे। तो हे हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे यार। एक नई सुबह और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो यार गाइज, आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा मैं रानीखेत पहुंच चुका था। तो अभी हमारी जो राइड है आज की, तो है भाई अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में आज मीटअप है और उत्तराखंड के सारे यूट्यूबर वहां पर आने वाले हैं, छोटे बड़े सारे यूट्यूबर आने वाले हैं। तो भाई अल्मोड़ा में मीटअप होने वाला है अभी, तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ, निकलते हैं रानीखेत से और खैरना से मैं कुछ राइडर भाई ज्वाइन करने वाले हैं। तो यार गाइज मिलते हैं आपको सीधे गोप्रो के सेटअप पे। तो यार दोस्तों मैं आ चुका हूँ भाई रानीखेत की मार्केट में। तो यार आज की राइड की शुरुआत करते हैं। तो भाई लेते हैं भगवान जी का नाम, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। तो भाई पहले ना अपने को फ्यूल भी डलवाना है और गाड़ी की पेट पूजा करवा लेंगे। तो भाई ये है रानीखेत की छोटी सी मार्केट और बहुत ही प्यारी मार्केट है। और आजकल भाई दुर्गा पूजा नवरात्रि भी लग रखे, भाई आप सभी को मेरी तरफ से भाई नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यार गाइस फ्यूल पंप लगी है, भीड़ भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है अभी। फाइनली गए यार फ्यूल डलवा दिया, तो भाई लोग आए तो भाई लोग से मिल लेते हैं यार। थोड़ा सा वक्त लग गया यार, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग गया अपने को। और कैसे हो? और भाई बढ़िया, तो मतलब बड़ी दूर से आ गए यार तुम। वैसे मैं बागेश्वर से हूँ, मतलब 20 किलोमीटर है वहाँ पर से यहाँ। तो यार भाई लोग 20 किलोमीटर दूर से आ गए तुम, तो भाई तो कल मिले ही थे यार हमसे। चलो बढ़िया लगा यार, अच्छा लगा तो इतनी दूर से मिलने आए। हाँ योगेश तो वही है देहरादून में। अच्छा इसको उतारना हेलमेट, भाई यार बहुत काला सा लड़का हूँ मैं, वो तो वीडियो में थोड़ा स्मार्ट आ जाता हूँ। भाई बोल रहा जी महंगा वीडियो में तो स्मार्ट लगता है, ऐसे बताओ सेम है भाई, कुछ अंतर तो नहीं है? भाई ने हेलमेट भी उतरवा दिया तुमने, महंगा एक बार लड़की ने उतरवाया था, आज भाई ने उतरवा रखा है। तो यार गाइस भाई लोग मिल गए थे, भाई भाई लोग ना महंगे मेरे से मिलने के लिए इतने दूर से आए थे। और तो भाई लोग ना मेरा भाई आधा घंटे से वेट कर रहे थे, क्योंकि भाई मुझे लग गया था गोकुल के वहाँ से ना भाई थोड़ा सा रोड में आने में चढ़ने में टाइम लगता है और भी ट्रैफिक लग गया था। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मतलब सब्सक्राइबर ना महंगे थे दूर दूर से आपसे मिलने आते ना भाई। सच में यार भाई ये मेरे मतलब पहले सब्सक्राइबर होंगे जो भाई इतनी दूर से मिलने के लिए ना भाई मेरे लिए, भाई मेरे लिए आए होंगे। तो भाई अभी हम लोग जा रहे भाई खैरना और हमारे रोहित पहाड़ी। तो भाई आप लोग जानते होंगे भाई आजकल बहुत छार गए भाई अपने उत्तराखंड में, और खैरना से हम लोग अल्मोड़ा तक साथ में राइड करने वाले और मिलते हैं उनसे खैरना में। और बाइक भी वॉश नहीं करवा पाए यार भाई। तो यार गाइस थोड़ी सी नर्वसनेस फील सी हो रही है यार, क्योंकि भाई पहली बार मीटअप पे जा रहे हैं भाई, तो क्या बोलेंगे, मतलब होता है ना कि मतलब क्या बोलेंगे यार वहाँ पर भयंकर हमारा नेता कैसा हो भाई, अजीब सा हो रहा है। तो भाई अभी आ चुके हम खैरना वाली रूट पे। तो भाई यहाँ से खैरना अराउंड 30-35 किलोमीटर की डिस्टेंस में। तो भाई मिलते हैं सीधे भाई अपने रोहित पहाड़ी से। तो यार दोस्तों तुम्हारा भाई पहुंच चुका है खैरना में, और भाई यहाँ से भाई अपने लेफ्ट में अल्मोड़ा के लिए और ये राइट जाता है नैनीताल हल्द्वानी। और भाई हमारे रोहित भाई फोन नहीं उठा रहे हैं, तो भाई एक बार दोबारा कॉल करके देखते हैं, क्या पता आगे चले गए हो या पीछे हो। तो पहले कॉल करते हैं भाई, अल्मोड़ा यहाँ से 33 किलोमीटर। दोस्तों अभी मैं हूँ खैरना से 1 किलोमीटर आगे, अभी रोहित भाई का इंतजार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर रुके हैं, रोहित भाई खैरना पहुंचने वाले हैं, तो भाई उसके बाद मिलाते हैं आपको रोहित भाई से। फाइनली गाइस भाई रोहित पहाड़ी आ चुके हैं, इतने इंतजार के बाद आए हो, कैसे हो? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया भैया। मैं भाई से कह ही रहा था कि भाई बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा बहुत बिल्कुल आ जाओ। तो यार गाइस पहले चाय पियेंगे फिर निकलते हैं। 11,000 सब्सक्राइबर थे तब मिले थे हम लोग अभी रोड पे। तो यार गाइस बहुत तेज बारिश होने लगी है भाई, रुकना पड़ेगा यार अपने को, रुक लेते हैं यार बहुत तेज हो रही है। तो यार गाइस फिर से अपने को लोकेशन मिल गई, पहले जब हम चौकीटे जा रहे थे तब भी हम भाई अपनी बाइक को कवर में रख ली थी। फाइनली दोस्तों यार बारिश होगी बंद भाई, अब जाके निकल रहे हम लोग, 12:30 बज चुके हैं, आधे घंटे लेट, और भाई वहाँ जाने में भी आधा घंटा लगने वाला है अपने को यहाँ से, क्योंकि अराउंड भाई 20 किलोमीटर और है। तो यार गाइज वहाँ तो बारिश रुकी थी, अब भाई यहाँ को और तेज होने लग गई है, मतलब ये अल्मोड़ा मीटअप गाइज पता नहीं क्या होने वाला है यार। भाई यहाँ पर नेट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा, नेट वगैरह कुछ नहीं आ रहे, तो भाई मैं स्टोरी वगैरह कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। सॉरी यार दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग भाई इंतजार कर रहे हो मुझे पता है,
बट यार बहुत ज्यादा मतलब बारिश हो गई थी इसलिए अपने को रुकना पड़ गया था। भाई अभी भी बारिश हो रही है पर हम अभी भी निकल रहे हैं। तो यार दोस्तों रोड की कंडीशन ना बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा भयंकर की कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो यार गाइस यहां से 7-8 किलोमीटर बचा है अपना अल्मोड़ा, बट भाई और बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगी है। तो भाई सबके कैमरे निकले इधर। तो यार गाइस बारिश भी थोड़ा सा कम हो गई है तो निकलते हैं यार। भाई अपनी जनता ना भाई वहाँ पर बहुत लोग वेट कर रहे हैं और आधे लोग तो भाई घर भी चले गए होंगे यार। टाइम भाई 1:30 हो गया है, 1:30 बज चुका है। तो भाई फटाफट निकलते हैं यार। भाई लोग आगे निकल गए और मैं GoPro का सेटअप में लग गया था भाई। यार गाइस कुछ सब्सक्राइबर ना भाई नीचे आ गए थे भाई, इन लोगों ने स्टोरी देखी भाई कि हम लोग भाई बारिश में भीग रहे हैं तो भाई लोग ना नीचे ही आ गए थे। तो यार थैंक यू सो मच यार भाई लोग, जब आप इतना ज्यादा प्यार दिखाते ना भाई मतलब कंफर्म नहीं हो पाता कि कौन सा लगवाएं। लगाना है एक बार ही लगाना है जैसा हो जाता है। वो मार्वल का छोटा, मार्वल के बीच में मार्वल अच्छा नहीं उतना, ऐसा लगाओ कि यूनिक हो। मतलब ये वाली बात देखो ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये लगा दिया ये यूनिक हो गया। इसमें पास से बहुत अच्छा लग रहा है, उससे ज्यादा जितनी वीडियो में लगता है ना बाकी बहुत ही पावर। हां मतलब वीडियो बहुत नहीं मतलब पास से बहुत अच्छा, पहले वाले भी अच्छे लगते थे। हां इससे पहले वाले भी अच्छे थे बट वो बहुत तगड़े थे यार, मतलब इससे ज्यादा लाइट वो करते थे ना, मतलब नजदीक से बहुत अच्छा, वो ज्यादा चटक थे थोड़ा, वो ज्यादा चटक थे। तो यार भाई भी सोच रहा कि 390 में। तो यार गाइस भाई लोग करबला में मिल गए थे अपने को, तो आगे ऊपर है ना अभी सब, अभी ऊपर है थोड़ा सा आगे ना। तो यार गाइस भाई जो है हमारे हल्द्वानी से आ गए भाई, थैंक यू सो मच यार भाई आप इतनी दूर से आ गए बारिश में भीगते भीगते। तो यार दोस्तों भाई लोग ना भाई सब नीचे ही आ गए थे तो भाई निकलते हैं। फाइनली गाइस यार अल्मोड़ा में एंटर कर लिया हम लोगों ने। तो भाई कुछ सब्सक्राइबर्स तो भाई नीचे ही आ गए थे। तो यार गाइस हमारी जो आधी जनता है ना भाई वो तो घर से चली गई होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि बारिश ना यहाँ भी हो रही थी। फाइनली गाइस यार पहुंच चुके हैं भाई। क्या हाल है भाई लोगों? भाई देख लो भीग गए पूरे के पूरे, सफर भाई बहुत ही खतरनाक। तो यार गाइस भैया जो है हल्द्वानी से आ रहे हैं, 11:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई पीछे का सीन देख लो भाई कुछ ऐसा है। तो अभी हम लोग निकल रहे भाई, कसार देवी हो गया कैंसिल, अभी हम लोग निकल रहे चाय सुट्टा बार। चलो नीचे को चलो चलो भाई, हाँ बैठ जाओ। तो यार गाइस तुषार भाई हमारे पीछे बैठे हैं भाई, आज तुषार भाई को राइडिंग स्किल दिखाएंगे हम लोग। तो भाई बहुत मजा आया भाई से मिलने भाई, स्पेशली देहरादून जाए हैं और इनका नाम है बायोटेक राइडर और आप देख सकते हो यहाँ पे बाइक से ही भाई तुमने ट्रेवल कर लिया यार। तो कब पहली बाइक है भाई? 1,10,000 भाई केडीएम से तो प्यार है यार। आ गई फाइनली अपनी चाय, अदरक वाली चाय भाई, अदरक वाली चाय देंगे 13+14। फाइनली गाइस यार हमारा मीटअप कंप्लीट हो गया। तो भाई उत्तराखंड के सारे यूट्यूबर आए थे अल्मोड़ा में, बहुत ही अच्छा लगा भाई लोगों से मिलके और हम लोगों ने बहुत सारी बातें शेयर करी, सब ने अपनी बातें शेयर करी, बहुत ज्यादा मजा आया। तो भाई कैसी अपनी अल्मोड़ा की जनता? यार हम रोहित पहाड़ी से तब मिले थे जब हमारे 11, अरे यार भाई के नहीं क्या रहा है तुम्हारे चलो। तो यार गाइस हम रोहित पहाड़ी से तब मिले थे, हमारी नैनीताल की राइड चल रही थी उस टाइम पे, रोहित पहाड़ी भाई के भाई 11,000 सब्सक्राइबर थे, मेरे 3,000 उस टाइम पे हम लोग मिले थे और आज 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए भाई के। तो दोबारा से मिल रहे हैं तो भाई को कैसा लग रहा है भाई दोबारा से बायोटेक? बहुत शानदार। मैं उस दिन भी एक अलग एनर्जी फील कर रहा था इसलिए मैंने भाई को चेस किया बाइक से, मैंने कहा भाई मोटो ब्लॉगर प्लीज रुको, फिर आगे अगर रुकते जंगल साइड में और बैठे हम 5-7 मिनट बैठे बात करी और मैं उस दिन भी अपनी पल्सर 150 में था और उसके बाद अचानक मैं कहते नेपाल नेपाल चला गया था और फिर तब से हम लोग टच में है। उस दिन से तुम्हें लगा था उसी बात कर रहा था, कोई चेंज तो नहीं है, उस दिन से कोई चेंज नहीं है। उस टाइम हम अपनी चीता से आ गए थे, आज भाई हम अपनी एंग्री बर्ड से आ गए अल्मोड़ा में, तो भाई के लिए तो भाई हम देहरादून से आ गए थे भाई के लिए। देहरादून मानो भाई ने यार भाई के प्यार के लिए देहरादून से यहाँ आके ना अल्मोड़ा में सिर्फ एक पहाड़ी होने का रिश्ता निभाया और उससे अगर कुछ नहीं, यूट्यूब मीटर तो भाई कहीं भी कर लेगा लेकिन उत्तराखंड का होने का देहरादून से अल्मोड़ा आना बहुत टफ है। तो भाई के चैनल को ना रोहित पहाड़ी के जितने भी लोग प्यार करते और इन सबके लोग जितने प्यार करते सब्सक्राइब कर दो, क्या कर दो पार्टी बची हुई है। 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे भाई ने मैसेज किया था कि पार्टी का हमेशा किया था, हमेशा कहता है तब नहीं आए
डेढ़ लाख में भी नहीं आए तो आज रोहित भाई की तरफ से पार्टी थी। अब 2 लाख में घर आना, लेकिन बिल्कुल 2 लाख में घर में कटेगा। तो यार निकलते रोहित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और बहुत सारे भाई मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे कि भाई रोहित पार्टी से मिलिए, कह रहे थे। हाँ भाई, मतलब बहुत सारे लोग मतलब मुझे मैसेज करते कि भाई रोहित पार्टी, भाई उनसे जाने के बहुत जाने भाई के साथ हम बहुत जल्दी एक लॉन्ग राइड में जाने वाले हैं। तो भाई भाई लोग के साथ ही बहुत जल्दी मिलेंगे, और एक अल्मोड़ा में जब भी हम अल्मोड़ा आएंगे ना तो एक राइड पे चलेंगे हम लोग। और भाई के साथ कैंपिंग करेंगे और एक अल्मोड़ा की राइड होगी। आज की इस वीडियो के एंड यहीं पे करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग का थैंक यू सो मच यार गाइस। और बहुत से हमारे सब्सक्राइबर भाई लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। और हमारे भाई बेटे तुषार को जाके सत्ता करिए, अगर आप ट्रैवल व्लॉग देखते हैं ना तो जाके चेक करिए, बहुत अच्छे अच्छे। और भाई को इंस्टाग्राम भी फॉलो करिए, इंस्टा भी फॉलो करिए। और भाई के साथ बहुत ही जल्दी हमारी राइड होने वाली है, भाई देहरादून राइड होगी। देहरादून वालों आ रहे जल्दी मिलने के लिए। भाई का चैनल है गौतम राउत ट्रैवलर का कबीरा। और भाई को तो आप जानते ही हो, रोहित पहाड़ी सब जानते हैं। जो नहीं जानते हैं रोहित पहाड़ी ब्लॉग, रोहित पहाड़ी, कार्तिक पांडे, मोनू बिस्टू बायोटेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और भाई आरसी तो यार गाइस तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर। तो यार बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर आए भाई, दिल से शुक्रिया। और अगली बार जब अपने टाइम के मिलेंगे ना भाई, तो मीटअप मिलेंगे बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। क्योंकि आज भाई तुम्हारा भाई पहली बार मीटअप पार कर रहा है, बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि भाई पहली बार मीटअप था, मेरे को पता नहीं था क्या बोलने। तो भाई मेरे को भारत माता की जय बोल रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।